मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन आज मना रही हैं अपना 68वां जन्मदिन। प्यारी सी स्माइल और स्ट्रिक्ट नेचर की जया को सबसे पहला ब्रेक महान फिल्म का सत्यजीत रे ने दिया था। फिल्म थी महानगर। ये फिल्म बनी थी बंगाली भाषा में। जब जया को ये फिल्म मिली थी तब वो महज 15 साल की थी। ये साल 1963 की बात है। इसके बाद जया ने सत्यजीत रे से मोटिवेट होकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। आपको बता दें कि जया बच्चन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से जया रातों रात स्टार बन गईं और फिर इन्हें पीछे मुड़कर कभी वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जया ने अमिताभ बच्चन से शादी की और शादी के बाद उन्होंने काम के अलावा घर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। कई यादगार फिल्मों में काम कर चुकी जया भले ही आज फिल्मों से दूर हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो पूरे डेडिकेशन के साथ फिल्मों में काम करती थी। यहाँ तक शोले की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट होने के बावजूद उन्होंने फिल्म में काम किया था। वैसे दिलचस्प बात ये भी है कि जब शोले रिलीज हुई और इसका प्रीमियर हुआ तब भी जया प्रेग्नेंट थी। उस समय अभिषेक बच्चन उनके पेट में थे। तो ये थे कुछ दिलचस्प बातें जया बच्चन की जिंदगी से जुड़ी हुई। इस डेडिकेटेड खूबसूरत सी प्यारी सी एक्ट्रेस को हमारे पूरे वन इंडिया परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।